Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज का जो हमारा practical lecture है वो है qualitative analysis of lipids. सबसे पहले देख लेते हैं lipids होते क्या हैं. जो lipids हैं these are triglycerides. कैसे बनते हैं ये, जब glycerol मिलता है fatty acid से. ग्लिसरॉल का एक मोल लेंगे और फैटी एसिड के तीन मोल लेंगे. ये जो अल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप है, ये लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप होता है. एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स. कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो ये अल्कोहल एच देती हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ एच. यहां से ओ एच निकलेगा, इधर से एच निकलेगा, वाटर बन जाएगा. तीन जगह से एच निकलेगा और इधर तीन मोल फैटी एसिड से ओ एच निकल जाएगा और ये हमारे पास नया फंक्शनल ग्रुप एस्टर आ जाएगा. अब तीन एस्टर के ग्रुप हैं तो उसको ट्राई एस्टर भी कह सकते हैं, या ग्लिसरॉल से ग्लिसराइड, या फिर तीन है इसमें एस्टर ग्रुप तो इसको ट्राई ग्लिसराइड भी कह सकते हैं. ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड ओ एच देता है और अल्कोहल एच देती है. अब इसका जब ओ एच निकलता है तो यहाँ ग्लिसरॉल के ऑक्सीजन लग जाते हैं. ओ एच चूंकि न्यूक्लियोफाइल होता है और जब न्यूक्लियोफाइल निकलता है तो उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आता है. इसका मतलब है इस रिएक्शन को मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकता हूं, या इस रिएक्शन को मैं एस्टेरिफिकेशन भी कह सकता हूं क्योंकि एस्टर बन रहा है. तो एक्चुअली हमने इसका टेस्ट करना है ट्राइग्लिसराइड का. इसमें सबसे पहला टेस्ट तो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं. ये जो ग्लिसराइड होते हैं, लिपिड्स होते हैं, दे आर इमिसिबल विद वाटर. ये वाटर के साथ मिसिबल नहीं होते. जैसे देखें, ये मैंने देसी घी या अगर वनस्पति घी इसमें डाला है तो ये घी क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, ऊपर जाके जमा हो जाएगा. इसका मतलब है ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये वाटर में ऊपर वाली लेयर बनाते हैं. एथानॉल में अगर तो कोल्ड एथानॉल हो तो ये नीचे वाली लेयर बना लेते हैं. इसका मतलब एथानॉल से इनकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जो ही आप इसको हीट करेंगे तो ये एथानॉल में मिसेबल हो जाते हैं. तो अगर हीट करने से मिसेबल हो गए हैं और कोल्ड में नीचे लेयर बना रहे हैं तो इसका मतलब है ये लिपिड्स हैं. तीसरा टेस्ट क्लोरोफॉर्म के साथ. क्लोरोफॉर्म से ये कंप्लीटली मिसेबल हो जाते हैं. तो आप इन तीनों सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लिपिड है या नहीं है. वाटर में ऊपर वाली लेयर बनेगी, एथानॉल में नीचे वाली, और क्लोरोफॉर्म में मिसेबल हो जाएंगे. नेक्स्ट इसके लिए टेस्ट करते हैं एक्रोलिन टेस्ट. एक्रोलिन टेस्ट में प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअली जब आप ग्लिसराइड को हीट करते हैं ट्राइग्लिसराइड को KHSO4 के साथ, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वापस बन जाते हैं और फिर जो ग्लिसरॉल है इसकी हो जाती है डिहाइड्रेशन और एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है जिसको एक्रोलिन कहते हैं. इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, एक्रिड स्मेल होती है. एक्रिड से ही एक्रोलिन बना है. क्योंकि इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर अनप्लेजेंट स्मेल निकलना स्टार्ट हो जाए. मटेरियल कौन से चाहिए, दो ही मटेरियल हैं. एक तो आपको लिपिड चाहिए जिसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है सैंपल, और दूसरा KHSO4 चाहिए. बस दो चीजें हैं. अपरेटस टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसमें डाल के आप हीट करेंगे. मेजरमेंट करने के लिए पाइपेट चाहिए क्योंकि इसमें आपने जो ऑयल या फैट होगी उसको मेल्ट कर लेंगे फैट को और फिर उसको मेजरमेंट करके डालेंगे. टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए और फिर हमें चाहिए बर्नर इसको हीट करने के लिए. प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है कि 0.5 ml लिपिड सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और फिर उसमें ऐड कर देना है KHSO4 और फिर हीट करना है. कब तक, जब तक कि अनप्लेजेंट स्मेल ना आना शुरू हो जाए. वो अनप्लेजेंट स्मेल जब आएगी तो इसका मतलब है ये लिपिड है, ये एक्रोलिन की स्मेल होगी. अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, एक्चुअली जब आप इसको हीट करते हैं, तो ये डीकम्पोज कर जाता है ट्राइग्लिसराइड, और डीकम्पोज होने के बाद वापस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना देता है. अब चूंकि आप हीट कर रहे हैं KHSO4 डालकर, पहले ये ब्रेक होके ग्लिसरॉल बनाएगा और फिर ग्लिसरॉल जो है वो मिल जाएगा KHSO4 के साथ डिहाइड्रेट हो जाएगा.
कि HSO4 इसमें से वाटर निकाल लेगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड ग्रुप एक्रोलेन बन जाएगा। ये जो एक्रोलेन एल्डिहाइड है, ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है और उस अनप्लेजेंट ये एक्रेट स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ये कोई लिपिड था, क्योंकि उससे एक्रोलेन बना है। एक्रोलेन किससे बनता है? ग्लिसरेल्डिहाइड से। एक और टेस्ट है सुडान फोर टेस्ट। सुडान फोर एक डाई है, ये फैट सॉल्युबल डाई है जिसमें डाई एजो ग्रुप मौजूद होते हैं, और ये वाली जो डाई है इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, और ये लिपिड्स को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं। अब स्टेनिंग करने के लिए पहले इसको प्रोपेलीन ग्लाइकोल में मिक्स कर लेते हैं। कुछ लोग प्रोपेलीन ग्लाइकोल की बजाय आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एथानोल पे भी मिक्स कर लेते हैं। जब आप इसको इसमें मिक्स कर लेंगे, अब आप इसकी स्टेनिंग कर सकते हैं लिपिड्स की। किस तरह से करेंगे? डाई की स्ट्रक्चर देख लें, ये बहुत ज्यादा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक कॉन्जुगेशन मौजूद है। यही वजह है इसका कलर रेडिश ब्राउन है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन है। इसकी लैम्बडा मैक्स ज्यादा होगी, और लैम्बडा मैक्स ज्यादा होने की वजह से कलर भी डार्क की तरफ होगा, तो रेडिश ब्राउन कलर है। ये डाई एजो लिंकेज है, इसका मतलब ये एजो डाई है, क्योंकि इसमें डाई एजो लिंकेज भी मौजूद है। अब टेस्ट कैसे करेंगे? लिपिड और वाटर को आपस में मिक्स करें। मिक्स करने से एक लेयर बन जाएगी लिपिड की वाटर के ऊपर, उसमें सुडान फोर डाई डाल दें तो ऊपर वाली लेयर जो है रेड लेयर बन जाएगी। इस तरह से एक लेयर नजर आएगी। अगर इस तरह से लेयर बन जाए तो ये लिपिड है, ये नीचे वाटर है सारा। वाटर में आपने डाला लिपिड, मिक्स किया, लिपिड ऊपर वाली लेयर बना लेगा, उसमें डालें सुडान फोर, यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाएगी जो कि इंडिकेट करती है ये लिपिड है। इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं, एक्रोलिन टेस्ट से भी कर सकते हैं, या सुडान फोर डाई भी यूज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। थैंक यू वेरी मच।